देश दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच ब्रिटेन में महामारी के दो नए स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। भारत में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों की बात करें तो पिछले कुछ सप्ताह में संक्रमण की दर में गिरावट आई है। देश में लगातार चौथे दिन 25,000 से कम कोरोना मामले सामने आए हैं और लगातार 13वें दिन 30,000 से कम केसेस दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 24,712 नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं, वहीं 312 कोरोना से जिंदगी हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,791 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए हैं। देश में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 1,01,23,778 हो गई और इनमें से स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 96,93,000 हो गई। संक्रमण के कारण 312 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,46,756 हो गई। देश में कोरोना से रिकवर हुए लोगों की संख्या बढ़कर 96,93,173 हो गई, यानी संक्रमित होने के बाद लोगों के स्वस्थ होने की दर 95.75% हो गई, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। कोरोना वायरस से संक्रमित इलाज करवा रहे लोगों की संख्या लगातार तीसरे दिन 3,00,000 से नीचे रही। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से संक्रमित 2,43,849 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 2.80% है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।